बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ अयाज अली मुगल, बायोलॉजी लेक्चरर। आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे 2 to 5 किंगडम सिस्टम्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं वो प्रीवियसली 2 किंगडम्स में डिवाइड किए गए हैं। अब ये 2 किंगडम सिस्टम जो है इसको ओल्ड क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। हमारी बुक में तो इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है कि ये किंगडम सिस्टम किसने बनाए हैं, लेकिन 2 किंगडम सिस्टम जो है वो मैंने गूगल किया तो वहाँ पे पता चला कि कैरोलियस लीनियस, जो स्वेडिश बॉटेनिस्ट है जिसका टाइटल फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी है, 1753 में इन्होंने ये 2 किंगडम सिस्टम बनाया है। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, हमारे फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेज पर मेंशन है कि 1.5 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जो हैं अभी तक डिस्कवर और क्लासिफाई हो चुके हैं। अब यानी 1.5 मिलियन यानी 15 लाख किस्म के जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं वो क्लासिफाई हो चुके हैं। तो प्रीवियसली तो 2 किंगडम जो हैं वो इन 2 बिना पे बनाए हुए हैं, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल एंड क्लोरोफिल, दूसरा मोड ऑफ लोकोमोशन। मैं समझता हूँ कि ये 2 किंगडम जो हैं इन पे सबसे ज़्यादा सेल वॉल की बिना पर ही लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को सेपरेट किया हुआ है। इन 2 किंगडम्स में आप देख सकते हैं कि किंगडम प्लांटी में सारे वो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं जो ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, लेकिन इनमें सेल वॉल है, फिर क्लोरोफिल है या नहीं है ये अलग बात है। जैसे बैक्टीरिया कुछ ऐसे हैं जो क्लोरोफाइलस हैं और कुछ ऐसे हैं जो नॉन क्लोरोफाइलस हैं। फंजाई नॉन क्लोरोफाइलस है, अल्जी सारी क्लोरोफाइलस है, प्लांट सारे क्लोरोफाइलस हैं। तो किंगडम प्लांटी में जो सबसे ज़्यादा फोकस किया हुआ है इन चारों ही बैक्टीरिया, फंजाई, एल्जी और प्लांट्स में सेल वॉल ज़रूर है। वैसे भी दुनिया में 4 यही लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं जिनमें सेल वॉल हैं, बाकी जितने भी और लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं उनमें सेल वॉल नहीं है, तो उनको किंगडम एनिमेलिया में रखा हुआ है। अब किंगडम एनिमेलिया के लिए लिखा हुआ है कि दिस किंगडम इंक्लूड्स मोटाइल ऑर्गेनिज़म्स व्हिच आर हेटरोट्रॉफिक लैकिंग सेल वॉल आर क्लोरोफिल, यानी इन सब में सेल वॉल तो नहीं है लेकिन क्लोरोफिल, कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे हैं जिनमें क्लोरोफिल है, कुछ ऐसे हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं है। तो बहरहाल 2 किंगडम्स बनाए हुए हैं प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल और क्लोरोफिल पे, दूसरा मोड ऑफ लोकोमोशन पे। अब 2 किंगडम काफ़ी नहीं रहे, वक्त के साथ साथ जैसे स्टडी बढ़ती चली गई तो उसमें प्रॉब्लम्स सामने आए। तो हमारे फर्स्ट ईयर के 5th चैप्टर की एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट आर द 3 प्रॉब्लम्स विथ 2 किंगडम्स। तो उसमें सबसे पहला जो बुक में ही मेंशन किया हुआ है, सबसे पहला प्रॉब्लम जो है वो यूनिसेल्युलर फ्लेजिलेट्स से है, यानी वो प्रोटोजोन्स जिनके पास फ्लेजिला हैं, स्पेशली उसमें यूग्लिना और उसके साथ जो उसके रिलेटिव्स हैं उनका जिक्र है, क्योंकि इनमें ड्यूल कैरेक्टर्स हैं, प्लांट लाइक कैरेक्टर्स भी हैं और एनिमल लाइक कैरेक्टर्स भी हैं। प्लांट लाइक कैरेक्टर्स में तो है कि इनके पास क्लोरोफिल है और ये फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाते हैं। एनिमल लाइक कैरेक्टर इनमें यह है कि एक तो इनमें सेल वॉल नहीं है, दूसरा ये मोटाइल है, अपने फ्लेजिला के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। इवन यूग्लिना के लिए ये भी आता है कि जब धूप मिलती है तो फोटोसिंथेसिस करता है और जब धूप चली जाए तो ये हेटरोट्रॉफिक हो जाते हैं, यानी ये ऐसे इसके ड्यूअल कैरेक्टर्स की वजह से ये किंगडम एनिमेलिया में फिट नहीं रह सकता। दूसरा प्रॉब्लम जो है वो फंजाई से है कि फंगस में से एक तो क्लोरोफिल नहीं है, दूसरा फंगस में जो सेल वॉल है
वो ट्रू सेल्यूलोज की नहीं बनी हुई, इसलिए ये जो फंजा है किंगडम प्लांटी में फिट नहीं हो सकता। तीसरा प्रॉब्लम जो है वो बैक्टीरिया के साथ है, और सियानो बैक्टीरिया एक ब्लू ग्रीन अल्जी है। 1935 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ तो पता चला कि बैक्टीरिया और सियानो बैक्टीरिया दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट हैं अपनी सेल्यूलर स्ट्रक्चर की बिना पे, कि इनका जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स भी नहीं है। नॉट वेल डेवलप्ड सेल है ये, प्रोकैरियोटिक सेल। तो अब ये ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम इग्नोर या अवॉइड नहीं कर सकते। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट स्कीम्स बनाई। हर एक ने कोशिश की कि दो से ज़्यादा किंगडम्स वाली स्कीम बनाई जाए। एक ने तो हद कर दी कि 18 किंगडम्स पे मुश्तमिल लेके स्कीम पेश की। बहरहाल इन सारे स्कीमों में जो सबसे ज़्यादा पसंद की गई, जिसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट हुई, अमेरिकन बायोलॉजिस्ट रॉबर्ट एच विटेकर हैं जिन्होंने 1969 में 5 किंगडम्स बनाए। उनके किंगडम्स की जो बेस है वो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और मॉड ऑफ न्यूट्रिशन है। अब सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में भी फिर दो चीज़ें आ जाएंगी, एक नंबर ऑफ सेल, दूसरा टाइप ऑफ द सेल्स। अब नंबर ऑफ द सेल पे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स दो किस्मों के हैं, एक यूनि सेल्यूलर दूसरे मल्टी सेल्यूलर, और टाइप ऑफ द सेल पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। मॉड ऑफ न्यूट्रिशन वैसे तो बहुत हैं, लेकिन दो मेन मॉड ऑफ न्यूट्रिशंस हैं, एक ऑटोट्रॉफिक दूसरा हेटरोट्रॉफिक मॉड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये रॉबर्ट एच विटिकर जो अमेरिकन टेक्सोनॉमिस्ट हैं, एक्चुअली 1969 में इन्होंने 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन पेश किए, उसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन के सामने है। अब हम चलते हैं कि रॉबर्ट एच विटिकर ने जो किंगडम्स बनाए उनमें सबसे किंगडम पहले किंगडम का नाम मोनेरा रखा। बायोलॉजी में जो भी नेम दिया जाता है वो उसके कैरेक्टर्स की बिना पर। अब मोनेरा के क्या माना है कि ये दो वर्ड्स का बना हुआ, एक मोनो दूसरा एरा। मोनो मीन्स फर्स्ट, एरा मीन्स टाइम। दुनिया में जो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए हैं वो सारे यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स हैं। तो इस किंगडम से सारे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिलोंग करते हैं जो यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स हैं, जिनकी डिफरेंट मॉड ऑफ फीडिंग है। तो इस मोनेरा में रॉबर्ट एच विटिकर ने बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया को मेंशन किया हुआ एग्जांपल में। तो इन्होंने अपने दूसरे किंगडम का नाम रखा किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा बुक में लिखा हुआ है कि फर्स्ट एनिमल्स, और इसमें डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि इस किंगडम में सारे यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स हैं जिनकी भी फीडिंग हैबिट्स डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे हम नोट करते चलें कि प्रोटिस्टा में रॉबर्ट एच विटिकर ने यूनिसेल्यूलर एल्जी रखी थी, और बाकी यूनिसेल्यूलर जितने भी प्रोटोजोन्स हैं जो टू किंगडम सिस्टम में एनिमेलिया में रखे हुए थे वो भी प्रोटिस्टा में रख दिए गए सारे यूनिसेल्यूलर्स। लेकिन यूनिसेल्यूलर अल्जी, यूनिसेल्यूलर फंजाय, यूनिसेल्यूलर प्रोटोजोन्स सारे प्रोटिस्टा में रखे गए। फिर उन्होंने जो हमने पॉइंट आउट किया था प्रॉब्लम फंजाय के साथ, तो रॉबर्ट एच विटिकर ने किंगडम अलग दे दिया फंगस को, क्योंकि ये फंजाय जो है इंटायरली डिफरेंट है दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स से। एक तो ये नॉन क्लोरोफाइलस हैं, दूसरा इनमें सेल वॉल मौजूद है, तीसरा ये एब्जॉर्प्शन के ज़रिए हेटरोट्रॉफिक मॉड ऑफ न्यूट्रिशन में रहते हैं। तो फंजाय में रॉबर्ट एच विटिकर ने पिरमिटिव फंगस भी रखे थे, जो स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड हैं ये भी किंगडम फंजाय में रखे हुए हैं। तो किंगडम प्लांटी में अब सारे मल्टी सेल्यूलर क्लोरोफाइलस यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सेल वॉल है, और ये सारे ऑटोट्रॉफिक हैं, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपना खाना बनाते हैं। तो इसमें रॉबर्ट एच विटिकर ने
मल्टी सेल्यूलर एल्जी रखी और प्लांट्स रखे थे। इन एग्जांपल्स को हम याद रखेंगे तो आगे हमें काम आएंगे। और किंगडम एनिमेलिया में सारे मल्टी सेल्यूलर यूकेरियोट्स जो हेटरोट्रॉफिक हैं, सारे इंजेशन के ज़रिए अपना खाना हासिल करते हैं। ना ही इनमें सेल वाल है और ना ही इनमें क्लोरोफिल है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स रखे हुए हैं। तो अब ये जो रॉबर्ट एच विटेकर है, अमेरिकन बायोलॉजिस्ट, इसकी स्कीम का जो सबसे बड़ा मसला है, जो मेजर स्नेग है, वो अलजी से है। कि रॉबर्ट एच विटेकर ने यूनिसेल्यूलर अलजी को प्रोटिस्टा में रख दिया और मल्टी सेल्यूलर अलजी को किंगडम प्लांटी में। अब यूनिसेल्यूलर अलजी हो या मल्टी सेल्यूलर अलजी हो, इन सब में सिमिलर करेक्टर्स हैं एक्सेप्ट ये सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के, बाकी ये सब एक जैसे ही हैं। तो अब इस प्रॉब्लम को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो दो अमेरिकन लेडीज़ हैं, लेन मार्गुलस और श्वार्ज, जिन्होंने रॉबर्ट एच विटेकर की इस स्कीम को 1985 में मॉडिफाई किया था। तो ये दोनों मोहतरमाएँ आपकी स्क्रीन के सामने हैं, लेन मार्कुलस और ये श्वार्ट्ज, आप देख सकते हैं। तो इन्होंने क्या मॉडिफिकेशंस की रॉबर्ट एच विटेकर की स्कीम में, और इसको मॉडिफाइड सिस्टम ऑफ विटेकर कहते हैं। तो मार्गुलस और श्वार्ट्ज ने कहा कि वायरस का तो किसी भी किंगडम से ताल्लुक नहीं है। वायरस एक अलग टॉपिक है, ये आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे वायरस को। और दूसरा जो बड़ा मेजर स्नेक था रॉबर्ट एच विटेकर की स्कीम का, ये उसने मल्टी सेल्यूलर एल्जी को अलग कर दिया, यूनिसेल्यूलर को अलग कर दिया। तो मार्गुलस और श्वार्ट्ज ने इन दोनों ही एल्जीज को किंगडम प्रोटिस्टा में रख कर और उसका नेम चेंज किया किंगडम प्रोटोकटिस्टा, यानी एक टोक लगा दी जो मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर को शो करता है। अब ऐसा मार्गुलस और श्वार्ट्ज ने क्यों किया, कैसे, क्यों हम मान लें कि ये इन्होंने वहाँ से उठाकर चीज़ को वहाँ रख दिया बस अपनी मर्ज़ी से? तो जस्टिफाई कर ये किया कि जो मल्टी सेल्यूलर एल्जी है वो प्लांट्स से इसलिए डिफरेंट है कि मल्टी सेल्यूलर एल्जी में जो जायगोट फॉर्मेशन है वो उनके जिस्म में नहीं होती, यानी एल्जी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है और प्लांट्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। प्लांट्स का जो जायगोट है वो प्लांट के मदर के जिस्म के अंदर बनता है, हालांकि एल्जी में ऐसा नहीं है, एल्जी का जायगोट पानी में बनता है। तो तीसरी जो मॉडिफिकेशन मार्गुलस और श्वार्ट्ज ने रॉबर्ट एच विटेकर के स्कीम में की, वो स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड को किंगडम फंजाई से निकाल दिया और उसको भी किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में रख दिया। किस वजह से? कि ये जो स्लाइम मोल्ड हैं ये और वाटर मोल्ड, इनमें सेंट्रियोल्स होते हैं, और जो ट्रू फंजाई है जो किंगडम फंगस के मेंबर्स हैं उनमें सेंट्रियोल्स नहीं होते। और दूसरा, इन स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड में जो सेल वाल है वो ट्रू सेल्यूलोज की बनी हुई है। स्लाइम मोल्ड में तो सेल वाल नहीं है, वाटर मोल्ड की जो सेल वाल है वो ट्रू सेल्यूलोज की बनी हुई है। और जो फंगस है किंगडम फंजाई के जो मेंबर्स हैं उनमें ट्रू सेल्यूलोज नहीं होती। तो ये किंगडम्स हैं जो मार्गुलस और श्वार्ट्ज ने मॉडिफाई किए। तो उनमें से ये भी मॉडिफिकेशन है कि इन्होंने किंगडम मोनेरा का नाम प्रोकैरियोटी रख दिया। तो जितने भी किंगडम्स हैं उन सारे किंगडम्स के नेम्स उन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स पे रखे हुए हैं जो उन किंगडम्स में डोमिनेंट हैं। जैसा कि किंगडम फंजाई है उसमें सारे वो ही लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं जो फंगस हैं, सारे फंगस हैं, यानी ये किंगडम ही फंगस है। यानी ये किंगडम शो करता है कि इसमें डोमिनेंसी जो है सिर्फ फंजाई की है, और ये दूसरा एनिमल्स का किंगडम है, यानी इस किंगडम में सारे सिर्फ एनिमल्स मिलेंगे। और ये प्लांट किंगडम के
किंगडम प्लांटी, ये सिर्फ इसमें प्लांट्स पाए जाएंगे। तो इसलिए इन पांचों ही किंगडम्स में एक वाहिद किंगडम है जो प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर मुश्तमिल है। तो क्यों ना इसका नाम ही हम किंगडम प्रोकैरियोटी रख दें, जो रिफ्लेक्ट करेगा इसके मेंबर्स को। इसलिए इन्होंने किंगडम मोनेरा का नाम चेंज करके प्रोकैरियोटी कर दिया, और किंगडम प्रोटिस्टा को प्रोटोकटिस्टा इसलिए बनाया कि अब इसमें मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी आ गए। तो इसमें तो सारे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्लासिफाई नहीं हो पाते। इवन किंगडम प्रोटोकटिस्टा को रेग बेग ऑफ फाइव किंगडम्स कहते हैं, कि जितना भी बचा हुआ है वो जो क्लासिफाई नहीं हो पा रहा वो सारा किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। तो अब आपके सामने है कि इस किंगडम में सारे यूनिसेल्युलर भी हैं और मल्टी सेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं। इवन जो क्लासिफाई नहीं हो पा रहा है वो भी सारे इस किंगडम में। तो किंगडम फंजाई में सारे नॉन क्लोरोफाइलस मल्टी सेल्युलर यूकेरियोट्स हैं जिनमें सेल वॉल है। तो यीस्ट जो है ये किंगडम फंजाई में रखा हुआ है, ये गलती से ऊपर यीस्ट एग्जाम्पल प्रोटिस्टा में चला गया, के बुक में है कि ये यूनिसेल्युलर यीस्ट यूनिसेल्युलर फंजा ये मल्टी सेल्युलर किंगडम में क्या कर रहा है। तो उसका आंसर बुक में लिखा हुआ है कि ये इवॉल्व हुआ है मल्टी सेल्युलर एंसेस्टर्स में से, इसलिए इसको किंगडम फंजाई में रखा हुआ है। तो किंगडम एनिमेलिया जो प्रीवियसली टू किंगडम सिस्टम में प्रोटोजोन्स भी थे इसमें, लेकिन अब इसमें प्योरली मल्टी सेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रखे हुए हैं जो नॉन क्लोरोफाइलस हैं, जिनमें सेल वाल नहीं है। इसमें एग्जांपल फिश, मैन, बर्ड्स, ईटीसी। और किंगडम प्लांटी में जो मल्टी सेल्युलर अल्जी रखी हुई थी, अब वो मल्टी सेल्युलर अल्जी किंगडम प्रोटोकटिस्टा में चली गई। अब इस किंगडम में सिर्फ और सिर्फ मल्टी सेल्युलर यूकैरियोटिक क्लोरोफाइलस लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो फीड करते हैं फोटोसिंथेटिकली। आई होप सो कि आपको 2 to 5 किंगडम सिस्टम समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई मुझे एडवाइस करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अच्छे से अच्छी वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारे इस स्ट्रगल को।